मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय नोएडा दौरे पर पहुंचे। पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सेक्टर 108 में बने कमिश्नर ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों के साथ लंबी बैठक भी की। वहीं दूसरे दिन सीएम योगी ने नोएडा को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 2,800 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारम्भ भी किया। इन परियोजनाओं में सेक्टर 38A जीआईपी के पास की मल्टी लेवल पार्किंग भी शामिल है। इस अवसर पर सीएम योगी ने लोगों को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि विकास की सकारात्मक सोच का परिणाम जेवर एयरपोर्ट है। जेवर के एयरपोर्ट से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। विकास की सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि हम लोगों ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई इन सभी अथॉरिटी के साथ मिलकर के प्रदेश सरकार ने जेवर में करने का कार्य प्रारंभ किया है। जेवर का ये एयरपोर्ट यहाँ पे लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार भी लेकर के आने वाला है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला भी साबित होने वाला है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही पूरे देश के अंदर हमारा देश लगभग 135 करोड़ की आबादी का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आजादी के 73 वर्षों में हम लोगों ने अपने देश के अंदर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर का कोई सेंटर आज तक नहीं बना पाए और पहली बार ये सौभाग्य भी गौतम बुद्ध नगर वासियों को प्राप्त होने जा रहा है कि देश के अंदर पहला एनआरओ की स्थापना हम जेवर के पास इसी जनपद में करने जा रहे हैं जिसमें नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं जिसके माध्यम से विकसित होने जा रही हैं। वही कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम योगी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था पहले चुनौती थी, अब स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट पुलिस है। इन सब के लिए नागरिकों की सहभागिता, जनप्रतिनिधियों का एक सकारात्मक सहयोग और साथ साथ बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति होनी आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक सहयोग का परिणाम है योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था एक चैलेंज हम सबके सामने हुआ करता था और इसीलिए एक स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट पुलिसिंग, इसके लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली हम लोगों ने नोएडा में भी प्रारंभ कर दी है और कल पुलिस आयुक्त के मुख्यालय का लोकार्पण भी करने के लिए कल सायंकाल में यहां पर आया था। हम लोगों ने देखा है लोगों के बीच में उत्साह है, लोग एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आयुक्त मुख्यालय के उद्घाटन के साथ ही हम लोगों ने, मैंने अलग अलग तबके के लोगों के साथ देर रात्रि तक मेरी बैठकें चलती रही और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां के एक अवसर है जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कार्यकाल समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अपनी सेवाएं देश को समर्पित की, आज वे लोग अपने जीवन का जो ये पड़ाव है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, उस दृष्टि से निवास करने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा आदि क्षेत्रों में रह रहे हैं। उनके अनुभव का लाभ हमारे प्राधिकरण भी ले सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी ले सकते हैं और हमारे युवा भी ले सकते हैं, हमारी संस्थाएं ले सकती हैं, हर एक स्तर पर ले सकती हैं। और मैंने उनकी सकारात्मक ऊर्जा को देखा है। इस उम्र में भी कोई 70 साल का है, कोई 75 वर्ष का है, कोई 80 वर्ष का है, लेकिन जीवन का वो जज्बा आज भी उनके अंदर वही देखने को मिला है। बता दें कि सीएम योगी ने जिस बहुमंजिला वाहन पार्किंग का लोकार्पण किया, उन पार्किंग में करीब 7,500 वाहन को एक साथ खड़े किया जा सकता है। नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट।